हेलो माय चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? दिस इज संतोष श्रीवास्तव बिफोर यू फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब, एंड अगेन आई एम विद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 11। और ये प्रयास जारी रहेगा क्योंकि बच्चों के जो कमेंट्स हैं, उनका जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव है। और बस करना क्या है, आपको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये चीजें पहुंच सकती हों जिनसे उनका लाभ हो सकता हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स इतने इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं ये चीजें रेगुलर देता रहूं क्योंकि इससे उनका फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं 11 सेट ऑफ सुपर 60 प्रैक्टिस सेट। लेट्स सी दिस इज कॉमन एरर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेंटेंसेस आपके हैं। सेंटेंस है आपको, मनीषा वास्ट अबाउट टू टेल हर टीचर द ट्रुथ। मनीषा बताने ही वाली थी हर टीचर, अपनी अध्यापिका को, द ट्रुथ, वो सच्चाई। व्हेन, जब, हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर, जब उसके मित्र ने उसे इंटरप्ट कर दिया। कौन सा पोर्शन गलत लग रहा है आपको? मनीषा वाज टू अबाउट टू टेल, ये पोर्शन आपको गलत लग रहा है, या फिर हर टीचर द ट्रुथ, या फिर ये पोर्शन आपको गलत लग रहा है, या फिर व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर, अर्थात ये पोर्शन आपको गलत लग रहा है। कौन सा पोर्शन गलत है, ए, बी या सी? बोले, समझ में आ रहा है आपको? मनीषा वाज टू अबाउट टू टेल सही है, स्ट्रक्चर ये नहीं सही है। आप दो कार्य कर सकते हैं, या तो आप अबाउट टू हटा दें, और हो जाएगा मनीषा वाज टू टेल, हो जाएगा मनीषा वाज टू टेल। और या तो आप अबाउट टू लें और ये टू हटा दें, क्योंकि अबाउट के पहले आप टू नहीं लगाते, तो जाएगा मनीषा वाज अबाउट टू टेल। अगर आपको लगे कि सर अबाउट टू हटाते हैं और मनीषा वाज टू टेल लिखते हैं तो क्या कोई सेंस में फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको ये कहना है कि ट्रेन छूटने वाली, जाने वाली, और आपको लगता है कि अभी उसके छूटने में समय है, जाने में समय है, तो आप क्या कह सकते हैं, द ट्रेन इज टू लीव। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन तुरंत ही निकलने वाली है, तो डोंट से द ट्रेन इज टू लीव, से द ट्रेन इज टू लीव, और अबाउट टू लीव, सॉरी, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। यानी किसी चीज को कहना है कि कार्य होना है तो वहां अबाउट टू का प्रयोग न करें, बट कोई कार्य जल्दी ही होना है तो वहां पे अबाउट टू का प्रयोग करें। यहां अबाउट टू ले सकते हैं आप, क्योंकि बताने ही वाली रही होगी ना वो, तो अबाउट टू ले और इसके पहले जो टू है वो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं आप। हो जाएगा मनीषा वाज अबाउट टू टेल हर टीचर द ट्रुथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज Ram was born to poor parents, but was brought up in an affluent family. Ram was born to poor parents, यानी राम का जन्म गरीब माता पिता के यहाँ हुआ था, but was brought up in an affluent family. लेकिन उसका जो पालन पोषण था, उसकी जो ब्रिंगिंग अप था, वो कहाँ हुई थी, एक समृद्ध परिवार में हुई थी। क्या गलत लग रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चों को जो यहाँ पे फ्रेश होंगे उनके लिए एक नया रूल आपको पता चलेगा, जो आपने शायद बहुत बच्चों ने अब तक न पढ़ा हो। क्या गलत है? राम वाज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, यानी यहां पे आपको गलत लिख रहा है कुछ, राम वाज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, या फिर आपको लग रहा है बट वाज ब्रॉट अप, यहां पे गलत है, या इन एन अफ्लुएंट फैमिली, कहां गलत है? मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो बट वाज ब्रॉट अप को शायद एरर पॉइंट के रूप में ले रहे हो, बट यू मस्ट नो कि ये बट वाज ब्रॉट अप सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि राम से जोड़े क्या हो जाएगा, राम वाज ब्रॉट अप, सही, यानी उसका पालन पोषण हुआ था। तो यहां पे कोई एरर नहीं आपकी। इन एन अफ्लुएंट फैमिली, इन अ दे दिया गया होता तो भी गलत होता, और इन एन अफ्लुएंट फैमिली यदि यहां अफ्लुएंस होता तो भी गलत होता, क्योंकि नाउन के पहले अफ्लुएंस तो आएगा नहीं। तो सही है इन एन अफ्लुएंट फैमिली। गलत कहां है? यहां पर ये गलत है, राम वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। देखिए, जिन माता पिता से आपका जन्म हुआ है, यानी उनका नाम जो है, वहां अगर आपको यूज करना है बॉर्न का प्रयोग, तो वहां बॉर्न टू का प्रयोग करिए। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो, आई वॉज बॉर्न टू मिस्टर एंड मिसेज गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। ओके, तो हम यह बॉर्न टू ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका नाम ले रहे हैं, हम उनसे बता रहे हैं कि उनसे हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जिस परिस्थिति को आप शो करना चाहते हो कि किस परिस्थिति में जन्म हुआ, आपके माता पिता किस परिस्थिति के थे, तो वहां पर टू नहीं लगता है। परिस्थिति को शो करने के लिए बॉर्न ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए मैंने क्या दिया है, राम वाज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, है ना। पुअर पेरेंट्स ये नहीं बता रहा है कि वो कौन थे, ये बता रहा है कि उनकी परिस्थिति, उसके पेरेंट्स की परिस्थिति कैसी थी। कैसी थी? पुअर थे। तो जब वो परिस्थिति बता रहा है कि उसके माता पिता पुअर थे, इसका मतलब यहां राम वाज बॉर्न टू नहीं होगा, राम वाज बॉर्न ऑफ हो जाएगा, यानी राम वाज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स हो जाएगा। बाकी पोर्शंस आपके सही हैं। फिर से याद कर ले, किसी छोटे स्थान पे आपका जन्म होता है तो आप लेते हैं बॉर्न एट, लेते हैं। जो बड़ा स्थान शो करना होता है तो वहां पे आप लेते हैं बॉर्न इन। ओके, जो आपको डेट शो करनी होती है तो बॉर्न ऑन, जो आपको दिन शो करना होता है वहां पर भी बॉर्न ऑन, जो आपको टाइम शो करना होता है वहां भी बॉर्न एट, और जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ है वहां बॉर्न टू, और जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ है वहां बॉर्न ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काम आएगा अगर आप तैयार करेंगे तो। अब केवल आपके पास बॉर्न इन और बॉर्न एट नहीं है, अब आपके पास बॉर्न टू भी है, आपके पास बॉर्न ऑफ भी है। ओके, तैयार करिएगा। तो राम वाज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स हो जाए, यानी ये जो पोर्शन आपका है टू, इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। श्याम विल प्रपोज टू हिज रूममेट्स, नहीं, श्याम अपने रूममेट्स को प्रपोज करेगा, उनसे प्रस्ताव करेगा, दैट की दे विल ज्वाइन दिस कंपनी, कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, विच, जो कंपनी में प्रोवाइड देम विद प्रॉमिसिंग करियर्स, जो कंपनी उन्हें उज्जवल भविष्य क्या कर सकती है, प्रदान कर सकती है। क्या गलत? ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन अगर आप फेस करते हैं तो सीजीएल मेंस वगैरह तक में आपके काम आएंगे। क्या आपको लगता है श्याम विल प्रपोज टू हिज रूममेट्स में कोई गलती है, यहां पर कोई गलती है, या आपको लगता है दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी, इसमें कोई एरर है आपकी, या फिर विच मे प्रोवाइड देम विद प्रॉमिसिंग करियर्स, इसमें कोई गलती है? वैसे ये ऐसा वाक्य है जिसमें कई सारी गलतियां दी जा सकती हैं आपको। क्या क्या गलतियां दी जा सकती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। श्याम विल प्रपोज टू हिज रूममेट्स था, ठीक है, ये जो आपका टू है ना, ये हटा करके आपको गलती दी जा सकती है। श्याम विल प्रपोज हिज रूममेट्स, लेकिन आप याद कर लें, जहां पर भी आपको प्रपोज का प्रयोग करना है, जहां पर भी आपको सजेस्ट का प्रयोग करना है, जहां पर भी आपको राइट का प्रयोग करना है, WRIT, जहां पर भी आपको स्पीक का प्रयोग करना है, जहां पर भी आपको से का प्रयोग करना है, जहां पर भी आपको रिपोर्ट का प्रयोग करना है, वहां अगर उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके पहले क्या लगाना होगा, टू। तो ये सही है आपका Shyam will propose to his roommates that they will join this company. जब भी किसी क्लास में आपके प्रिंसिपल क्लास में अगर प्रपोज का प्रयोग है, सजेस्ट का प्रयोग है या डिमांड का प्रयोग है, तो दूसरी क्लास जो दैट के बाद आपकी रहेगी उस क्लास में आप क्या नहीं ले सकते हैं, ये विल नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? विल नहीं ले सकते। ये जो विल आप ले रहे हैं ये गलत है। यहां क्या लेना पड़ेगा? विल के स्थान पर कुछ बच्चों की याद होगा ये लेना। क्या लिखा मैंने? शुड। यानी कभी भी अगर प्रपोज, सजेस्ट या डिमांड का प्रयोग है तो दैट वाली क्लास जो अगली क्लास है उसमें विल, शैल या मे माइट का प्रयोग न करें। किस चीज का प्रयोग करें? शुड का प्रयोग करें। तो यानी हमारा जो पोर्शन हो जाएगा गलत वो ये हो जाएगा। श्याम विल प्रपोज टू हिज रूममेट्स, यानी श्याम अपने रूममेट्स को, यानी जो उसके रूममेट्स हैं, उसके कमरे में रहने वाले जो दोस्त हैं, उनको वो प्रपोज करेगा, उनसे कहेगा दैट की दे विल ज्वाइन दिस कंपनी। आप सोच के देखें, अगर आप लेंगे दे विल ज्वाइन द कंपनी तो ऐसा लगेगा वो उसने प्रस्ताव किया कि वो कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जबकि आपको क्या कहना है कि उन्हें वो कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ शुड, सो यू विल हैव टू यूज शुड हियर इन द प्लेस ऑफ विल। ओके, रिप्लेस दिस विल विद should। तो आएगा श्याम विल प्रपोज टू हिज रूममेट्स सो दैट दे शुड ज्वाइन दिस कंपनी। ओके, और भी गलतियां हो सकती थी। यहां which की जगह हो दिया जा सकता है जो कि गलत होता। ये which किसके लिए है? कंपनी के लिए है तो सही है। यहां पे may सही आपका है। may provide them सही है। provide them with promising careers, अगर ये विद यहां पे नहीं होता तो भी गलत होता, क्योंकि जब आप प्रोवाइड टू समवन करते हैं तो ये ध्यान रखें कि प्रोवाइड के बाद आप जिसको जो चीज दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, अगर वो ले रहे हैं तो फिर जिसको दे रहे हैं उसके पहले टू लीजिए, और जिसको दे रहे हैं अगर वही पहले आपने रख दिया प्रोवाइड देम, तो जो चीज दे रहे हैं उसके पहले क्या रख दीजिए? विद। यही वाक्य देखिए आप ऐसे बना सकते हैं। ये जो प्रॉमिसिंग करियर्स है इसको कहां ले आते आप? देम के स्थान पे। और जो देम है ये कहां ले आते आप? यहां। ठीक है, तब क्या हो जाता? प्रोवाइड प्रॉमिसिंग करियर्स टू देम हो जाता। लेकिन देम आपने पहले लिया है तो क्या ले लिया आपने? विद ले लिया। इसे ग्रामर कहते हैं। अच्छा ग्रामर करना है, ये सब सीखना पड़ेगा धीरे धीरे आपको कि कैसे इसको हम मैनेज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। ये क्वेश्चन है आपका 4, सेंटेंस फिलअप, और चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, तो आगे और इंटरेस्ट के साथ मेहनत करिए आप। अ वार्म रिसेप्शन वाज डैश हिम। अ वार्म रिसेप्शन वाज डैश है, तो एक गर्मजोशी से भरा हुआ स्वागत किया गया। गिवन फॉर हिम, वो रिसेप्शन वाज गिवन फॉर हिम, या वाज अकॉर्डेड टू हिम, या वाज अलॉटेड टू हिम, या वाज अलाइड टू हिम। कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा चारों में? ऐसे क्वेश्चंस करें आप। ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आपके प्री और मेंस में आपको दिए जाते हैं। A warm reception was given for him होगा? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? given for नहीं होता है, given something to someone होता है। तो a warm reception was given to him होगा, न कि given him हो, अरे given for him होगा। allotted to क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता है? allot क्या करता है? किसी चीज के लिए कोई स्थान फिक्स कर दे। जैसे हम अपनी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो हम उस बच्चे के लिए उसकी सीट क्या कर देते हैं? अलॉट कर देते हैं। दिस इज अलॉट। तो रिसेप्शन के लिए अलॉट का कोई मतलब नहीं। अलाइड टू क्या होता है? अलाइन करना, किसी का साथ देना, अलायंस। तो अब वार्म रिसेप्शन वाज अलाइड टू तो नहीं होगा। तो अगर गिवन फॉर नहीं हो सकता क्यों? गिवन टू नहीं है। अलॉटेड टू नहीं हो सकता क्योंकि यहां अलॉट तो किया नहीं जा रहा है। अलाइड टू नहीं होगा क्योंकि अलाइड तो बनाया नहीं जा रहा, अलायंस। यहाँ क्या हो जाएगा accord to, accord to means प्रदान करना, देना। तो a warm reception was accorded to him। accorded to means याद कर ले, देना होता है। तो a warm reception was accorded to him, यानी उसका गर्मजोशी से क्या किया गया, स्वागत किया गया, यानी उसे एक अच्छा रिसेप्शन दिया गया। This is passive verb, a warm reception was accorded to him, यानी आपका C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस फिलर है आपका, ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स। ये लेवल भी आपको मेंटेन करना होगा, आना चाहिए आपको। क्या हो, ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स, तो डैश के स्थान पे ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफॉर्म विद द रूल्स होगा, या ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफॉर्म्स विद द रूल्स होगा, या ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफॉर्म टू द रूल्स होगा, या ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफॉर्म्स टू द रूल्स होगा। थोड़ा सा भी ग्रामर अगर आप समझते हैं तो आप ये समझते होंगे, यहां दो चीजें तो नहीं हो सकती। कौन चीजें? ये कंफॉर्म्स विद और कंफॉर्म्स हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि हम ऑल ऑर्डर्स की मस्ट कर रहे हैं की बात करें पहला, दूसरा मस्ट की बात कर रहे हैं। मस्ट क्या है? एक मॉडल है। मॉडल के बाद किसी भी अवस्था में सेकेंड, थर्ड या प्लूरल फॉर्म नहीं आती, हमेशा बेस फॉर्म आती है। तो फिर ये जो दोनों हमारे हैं, ये कन्फॉर्म्स विद और कन्फॉर्म्स टू, इनका कोई मतलब नहीं, इनको तुरंत एलिमिनेट कर दे, हटा दें इनको आप। तो जब आप इनको हटा दे रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास अब क्या बचा है। आपके पास बचा है कन्फॉर्म विद और कन्फॉर्म टू, इन्हीं दोनों में से एक चूज करना है। अब यहां किसका नॉलेज आपके काम आएगा? प्रीपोजिशन का नॉलेज काम आएगा, आएगा ना। तो अगर आपको याद हो, जब आप कंप्लाई का प्रयोग करते हैं तो कंप्लाई विद होता है, जब आप अबाइड का प्रयोग करते हैं तो अबाइड क्या होता है, याद है? अबाइड बाई होता है। जब आप होल्ड का प्रयोग करते हैं तो होल्ड टू होता है, और जब आप कन्फर्म का प्रयोग करते हैं रूल्स वगैरह के सेंस में तो कन्फर्म टू ही होता है। यानी यहां ऑल ऑर्डर्स मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स, यानी सभी जो आदेश हैं वो नियमों से मेल खाने चाहिए, उनसे उनका कहीं कहीं कन्फर्म करना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो ऑल ऑर्डर्स मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स हो जाए। अगर यहीं पे कंप्लाई होता तो क्या हो जाता? ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स हो जाता। अगर यहीं पे अबाइड होता तो क्या हो जाता? ऑल ऑर्डर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स हो जाता। अगर यहीं पे होल्ड होता तो ऑल ऑर्डर्स मस्ट होल्ड टू द रूल्स, और यहीं अगर कंफॉर्म है तो भी टू होगा, ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफॉर्म टू द रूल्स हो जाएगा। बेहतर एग्जाम्पल्स हैं, मेहनत करें इन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच, यहां जी साइलेंट है, द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। क्या होता है नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच में? कौन सा ऑप्शन सही है नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच में? गार्डियंस ऑफ ट्रेजर, यानी जो धन दौलत ट्रेजर वगैरह के गार्डियंस हैं, संरक्षक हैं। विचक्राफ्ट ऑफ ज्यूरिच, ज्यूरिच की जो विचक्राफ्ट है, चुड़ैल है। फॉरेन लीडर्स, यानी फॉरेन लीडर्स विदेशी नेताओं को। बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, या जो बड़े बैंकर्स हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बैंकर्स हैं, वो कौन सा सही होगा? अगर आपको नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच समझ में आता हो तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए ज्यूरिच क्या है। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक सेंटर है, बिजनेस सेंटर है ज्यूरिच। तो प्रश्न है नॉर्म्स कौन होते हैं? नॉर्म्स वो होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, अर्थात इस प्रकार की शक्तियां जो अंडरग्राउंड होकर के सीक्रेट कार्य करती हैं। तो नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच उन बैंक्स को कहा जाता है, जो बैंक आप जानते हैं, आपने सुना होगा स्विस बैंक है, भारत में बहुत सारे नेताओं को कहा जाता है स्विस बैंक में उनके खाते हैं। वहां क्यों खाते खुलवाते हैं? क्योंकि वहां उनका कभी भी पब्लिकली उस चीज को जाहिर नहीं किया जाता, किसी को बताया नहीं जाता है कि हाँ इनका यहाँ पे कितना है क्या है। यही स्विस बैंक की पॉलिसीज होती हैं, यानी उनकी पॉलिसी सीक्रेट होती हैं। तो नोम्स भी क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और ज्यूरिच क्या है? वो कमर्शियल सेंटर है स्विट्जरलैंड का। तो नोम्स ऑफ ज्यूरिच यानी वो लोग जो सीक्रेटली कह सकते हैं आप पैसों से संबंधित लेन देन का कारोबार करते हैं, अर्थात वो बड़े इंटरनेशनल बैंकर्स। ये गॉर्डियंस नहीं उसको बचा के रख रहे हैं, गॉर्डियंस नहीं, वो इंटरनेशनल बैंकर्स हैं जो उनके जो खाता धारक हैं उनकी जो खाते हैं उनको हमेशा सीक्रेट बना के रखते हैं। इसी वजह से भारतीय नेता या लोग वहां पे अपने खाते खुलवाते हैं। ओके, तो नोम्स या द नोम्स ऑफ ज्यूरिच मींस क्या हो जाएगा? बिग इंटरनेशनल बैंकर्स। 7वां प्रश्न आपका है टू कॉल इट अ डे क्या हो? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको अलग अलग दिया गया है। टू कॉल इट अ डे, कई बार क्या होता है कि आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करते करते आपको ऐसा लगता है कि अब कार्य को आपको उस दिन के लिए रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो यू हैव कॉल्ड इट अ डे, अर्थात कार्य क्या कर देना? समाप्त कर देना उस दिन के लिए। तो कॉल इट अ डे, टू गिव द डे अ नेम, दिन को कोई नाम देना नहीं होगा। टू पुट ऑफ वर्क फॉर अनदर डे, मैंने ये नहीं कहा कि आप कल पे वो काम टाल रहे हैं, उस दिन वो काम क्या कर लिया आपने? खत्म कर दिया आपने, क्या नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। द डे वॉज मार्वलस, कोई मतलब नहीं इसका। टू डिसाइड, ये तय करना, टू फिनिश वर्किंग फॉर द डे, कि आज के दिन हमारा काम क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी टू कॉल इट अ डे मींस टू डिसाइड टू फिनिश वर्किंग फॉर द डे, अर्थात दिन भर का काम क्या कर लेना? खत्म कर लेना, समाप्त कर लेना, टू कॉल इट अ डे होता है। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई आस्क्ड देम इफ दे हैड बीन Called by the man, जिस बच्चे की मेमोरी पावर अच्छी होगी वो बच्चा निश्चित ही वाक्य सही करेगा। देख लें कौन सा ऑप्शन होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आपको इसके स्थान पे बताना है ये तीनों होंगे या ये खुद सही है और नो इंप्रूवमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस फेस करके दिखाएं और तब किसी भी लेवल पे आप एग्जाम देंगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी है। आई आस्क्ड देम इफ they had been called by the man, क्या चुन रहे हैं? A, the man had been called by them, B, the man had called them, C, they had the man called, या no improvement, A, B, C या D। सोचें जितना सोचेंगे, जितनी थिंकिंग करेंगे, निश्चित ही आप बेस्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे। आई आस्क्ड देम, याद आ रहा आपको कि जब आस्क्ड का प्रयोग है और इफ का प्रयोग है तो इफ या वेदर वाली क्लॉज को हम पैसे में कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कन्वर्ट तो किया गया है। दे हैड बीन कॉल्ड बाय द मैन, तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बस इसे एक्टिव में बदल दीजिए आप। इसका एक्टिव क्या होगा? द मैन हैड बीन कॉल्ड, कभी नहीं होगा। द मैन हैड कॉल्ड देम, यही तो होगा ना, बी ऑप्शन देखें तो हो जाएगा आई आस्क्ड देम इफ द मैन हैड कॉल्ड देम। क्यों ये गलत हो गया? क्योंकि आस्क्ड और इफ के साथ आपकी जो अगली क्लॉज है उसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक्टिव वॉइस लेना होगा। एक्टिव वॉइस का क्या होगा? द मैन हैड कॉल्ड देम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दे हैड द मैन कॉल्ड ये होगा नहीं, ये क्वेश्चन में भी नहीं होगा, कि अगर आप दे हैड द मैन लेंगे जो कार्य करने वाला है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि सेकेंड थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी गलत है और नो इंप्रूवमेंट यहां होगा नहीं आपका, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। Both of the men were here to sing the song. देखिए बताएं क्या गलत है, क्या यहां गलत है जिसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है, या अगर यहां पे सही है तो आपको नो इंप्रूव करना होगा। आपको कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए वो जो सफल होना चाहता है उसके पास तमाम रास्ते हैं, और जो सफल नहीं होना चाहता है उसके पास तमाम लेम एक्सक्यूजेस हैं। इंग्लिश में सारे बच्चे आप समझते हैं, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। लेकिन इंग्लिश में आपको ये भी कहावत है, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। मेरा मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे सिस्टमैटिक तैयारी करें अपने आप। आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर होना चाहिए, वॉइस बेहतर या बेस्ट होनी चाहिए, नरेशन बेस्ट होना चाहिए, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे आप, वोकैब और बेहतर करें, और रट के नहीं कर सकते हैं, डिस्कशन करके कर सकते हैं। बच्चों से डिस्कशन करें आप कि हाँ चलो बताओ इस शब्द मीन्स क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है। जितना डिस्कशन करोगे आप उतना आपके लिए क्या होगा आसान। तो फिर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, If both of the men were hired to sing the song. सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि वॉइस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। बोथ ऑफ द मैन ये तो सही है, यहां मैन होता तो गलत होता, बोथ ऑफ द मैन सही है, प्लूरल है इसलिए वर्ब भी सही है। अब यहां देखते हैं hired to sing लिखा है, अब हमें ये समझना है पहले ये hired होगा कि नहीं या कुछ और होगा। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मतलब वो दोनों जो आदमी थे गीत गा रहे थे, हियर सिंगिंग द सॉन्ग, हियर टू सिंगिंग होगा नहीं, हियरिंग टू सिंग होगा नहीं। अब यहां ये पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है, तो हमें ये देखना होगा क्या पैसिव वॉइस में हियर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं आप। अगर आप एक्टिव वॉइस में हियर का प्रयोग करते हैं, लिसन का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, नोटिस का प्रयोग करते हैं, फील का प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ आप फुल इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं का पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, चाहे वो मेक हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो हियर हो, चाहे वो फील हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो वॉच हो, इनके साथ जब आप पैसिव में चाहते हैं तो आपको फुल इन्फिनेटिव लेना होता है। ध्यान से देखें, Both of the men were here, पैसिव है। इस एम आर वाज वर्ब वगैरह के बाद अगर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो पैसिव वॉइस है। तो both of the men were here, अब हमें फुल इंफिनिटिव चाहिए क्योंकि here यहां पे है, तो here to sing, यानी वाक्य ऑलरेडी सही है, इसमें किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं आपको है, यानी यहां नो इंप्रूवमेंट हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस करें, चैलेंजिंग क्वेश्चंस। 10वां सेंटेंस अरेंजमेंट है, देखिए। इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की एक शॉप में नीरज चौधरी, आप जानते हैं नावलिस्ट हैं एक तरह से, या फिर लेख वगैरह लिखते हैं, तो नीरज चौधरी ऑफ आवर एलिफेंट हेडेड गॉड होगा क्या? कभी ये तो कभी पी हो ही नहीं सकता। पहला, who was likely to be a counterpart, नीरज चौधरी के बगल में है तो हो सकता है। मिश्र द इमेज ऑफ एनी गॉड, ये तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि नीरज चौधरी सब्जेक्ट हैं तो फिर एक वर्ब है आपकी, हो सकता है। प्रिसाइडिंग ओवर ऑल आवर इंटरप्राइजेस, नहीं होगा ना, ऐसे हमारी सभी इंटरप्राइजेस को प्रिसाइड ओवर, उसका संचालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, नहीं ऐसा होगा। अब प्रश्न 2 में से एक होगा, हु वॉज लाइकली टू बी ए काउंटर पार्ट और आर। यह भी तय है कि हु वॉज लाइकली टू बी अ काउंटर पार्ट के बाद ऑफ आवर एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा। आप देखिए आप किसके बाद आ सकता है, मिश्र द इमेज ऑफ एनी गॉड ऑफ आवर एलिफेंट हेडेड गॉड कभी नहीं होगा। प्रिसाइडिंग ओवर ऑल आवर इंटरप्राइजेस ऑफ आवर एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा, नहीं होगा। यानी ये जो हु वाली क्लास है ये हर हाल में पी के पहले आएगा, यानी पी के पहले क्यू आएगा, पी के पहले क्यू है यहां पर, पी के पहले क्यू नहीं है, ये तो पी क्यू है आपका, पी के पहले क्यू नहीं है, पी के पहले क्यू है यहां पे क्यू पी। अब चलिए दो जगह हमारे पास है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। यहां क्यू शुरू में ही है तो पहले देख लेते हैं क्या क्यू शुरू में आ सकता है। इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नीरज चौधरी who was likely to be a counterpart, जो हमारे समकक्ष थे, ठीक है, जो समकक्ष थे ऑफ आवर एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा। क्या वो गणेशा के समकक्ष थे क्या? नहीं, यानी क्यों यहां नहीं आना चाहिए, शुरू में आ गया। अब यहां पे देखते हैं इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नीरज चौधरी, और पहले आर है यहां पे, तो इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नीरज चौधरी मिश्र द इमेज ऑफ एनिका, सही ना। इन द शॉप्स ऑफ की बात कर रहे हैं, दुकान में नीरज चौधरी ने क्या किया, मिश्र द इमेज ऑफ एनी गॉड, मिश्र द इमेज ऑफ एनी गॉड, यानी जब भी आएगा आर पहले आएगा। अब जब अब देखें आप मिश्र द इमेज ऑफ एनी गॉड, अब आराम से क्यों आ जाएगा क्योंकि गॉड के बगल में क्या है, हो है ना। हु वॉज लाइकली टू बी अ काउंटर पार्ट, आराम से पी आ जाए, काउंटर पार्ट ऑफ आवर एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ सक्सेस गणेश, यानी ए ऑप्शन होगा न कि डी ऑप्शन। ऐसे क्लूज के सहारे आप कर सकते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। देवर एंजॉयिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ पॉइजन एरोज and the lurking phantoms, completely distracted enormously in the jungle around them। आप इसको पढ़िए और एक क्लूज बनाते चलिए, लास्ट वाले वर्ड्स को आप चाहे तो जोड़ के किसे जोड़ सकते हैं। अगर आपको ग्रामर याद हो तो जैसे आप ये पढ़ेंगे completely distracted, तो distracted चीख चीख के कहेगा, इसके बाद क्या आएगा from। डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम होता है किसी का ध्यान हटाना, उसे दूसरे पद पे ले जाना। तो अगर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आएगा यानी हमारा क्लू है कि आर के बाद हर हाल में पी आएगा, आएगा आर के बाद पी यहां पे है, आर के बाद पी नहीं यहां पे है, आर के बाद पी है बीच में है, आर के बाद एस नहीं है। हमें दो में से देखना है, ए और सी। ए से देखते हैं पहले, They were enjoying themselves enormously, यानी वो बहुत आनंद ले रहे थे। Completely distracted, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड थे, उनका ध्यान ही नहीं था, सही है। They were enjoying themselves enormously, completely distracted from the horrors, यानी उस हॉरर से, उस भय से वो बिल्कुल, उस डर से बिल्कुल अनजान थे। अब poison arrows कि क्या है, पॉइजन एरोज हैं, जहर बुझे हुए तीर हैं। फिर आपका क्यू है एंड द लर्किंग फैंटम्स, और घात में बैठे हुए फैंटम्स हैं इन द जंगल अराउंड देम। ये भी तय है कि क्यू जब भी आएगा कहां आएगा, इसके पहले आएगा, एंड द लर्किंग फैंटम्स इन द जंगल अराउंड देम। लेकिन मेन क्लू आपका क्या है पता है, ये डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और दूसरा कि आपका आर से किसमें था, ये आपका है। क्यू से आपका वाक्य शुरू नहीं हुआ, क्यों नहीं शुरू होगा, देखिए They were enjoying themselves and the lurking phantoms, गलत है ना। जब enjoying themselves है तो उसके बाद क्या आएगा, एस आ जाएगा। They were enjoying themselves enormously, वो पूरा आनंद ले रहे थे, कैसे, completely distracted from, यानी पहले एस फिर आर और फिर पी और लास्ट में क्यू जाएगा, क्योंकि एंड द लर्किंग फैंटम्स इन द जंगल अराउंड देम हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये तो आपको आना चाहिए, आपको और बेहतर आना चाहिए। देख ले, सीखे रहो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज आपको कठिन आ जाती, कोई चीज इजी आ जाती है। आप कभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो, कभी कोई चीज ऐसा रहेगा जहां लगेगा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मैं आपको सलाह दूंगा ऐसा कभी ना करें। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है ना जो एक बच्चे को कहीं कहीं डाउन साइड में ले जाते हैं। तो आप हमेशा अप साइडेड हो, न कि डाउन साइडेड हो, ठीक है। चलिए करते हैं, ये देखते हैं। माई पेरेंट्स डैश टू कैनेडा इन 1990। मेरे माता पिता कनाडा 1990 में या तो गए या छोड़ दिए। इन ऑर्डर टू एस्केप द डैश, किस चीज से बचने के लिए, यानी उन्होंने हर हाल में छोड़ा ही होगा कनाडा को। तो इन ऑर्डर टू एस्केप द डैश ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट से बचने के लिए अगर वो गए तो हर हाल में कनाडा गए होंगे वो। एंड टू बिल्ड अ बेटर डैश इन कनाडा, और अगर वो चाइनीज गवर्नमेंट से बचने के लिए कनाडा गए होंगे तो टू बिल्ड अ बेटर डैश इन कनाडा, कनाडा में कुछ बनाने गए होंगे। क्या बनाने गए होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, जब उनकी कहानियों को सुनने के बाद, ऑफ डैश एंड फ्रस्ट्रेशंस और निराशाओं के बाद, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, हाउ डैश आई वाज टू बी लिविंग इन द कंट्री आई नाउ कॉल होम। कि कैसे मैं उस देश में रह रहा था जिसे आज मैं क्या कहता हूं, अपना घर कहता हूं। चलिए देखते हैं। माई पेरेंट्स डैश टू कैनेडा इन 1990। My parents dash invaded to Canada। इन्वेडेड दो वजह से हुआ, क्योंकि यहां आक्रमण की बात नहीं है पहला। दूसरा, इन्वेडेड एक ऐसी वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, टू नहीं लेती है। तो my parents invaded to Canada नहीं होगा। My parents immigrated to Canada हो सकता है। इमिग्रेट टू मीन्स किसी स्थान पर पलायन करना, मतलब वहां पर जाना हो सकता है। माई पेरेंट्स इनफिल्ट्रेटेड टू कैनेडा, यदि इनफिल्ट्रेट का भी प्रयोग करें आप तो भी ट्रू नहीं होगा, इनफिल्ट्रेटेड कैनेडा होगा। इनफिल्ट्रेट मीन्स क्या होता है, घुसपैठ करना होता है ना, जब आप इंट्रूड करते हैं तो आप इनफिल्ट्रेट करते हैं आप। और इनवाइटेड टू कैनेडा, यहाँ इनवाइट का कहां सेंस है, सोच देखिए। माई पेरेंट्स इनवाइटेड टू कैनेडा, किसको इन्वाइट किया, आप समझ सकते हैं। माई पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कैनेडा, यानी वो कैनेडा में आए। इन 1990, कब आए, 1990 में। इन ऑर्डर टू एस्केप, क्योंकि वो बचना चाहते थे द डैश ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट की किस चीज से बचना चाहते थे, चाइनीज गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी से बचना चाहते थे। बचना चाहते थे, डेमोक्रेसी है क्या, चाइनीज गवर्नमेंट की मोनार्की से बचना चाहते थे। क्या मोनार्की है क्या, वो चाइनीज गवर्नमेंट की टायरनी से बचना चाहते थे, बिल्कुल बचना चाहते। टायरनी मींस अत्याचार, यही होगा। यानी चाइनीज गवर्नमेंट के टायरनी से, यानी चाइनीज गवर्नमेंट के अत्याचार से बचने के लिए मेरे माता पिता 1990 में कहां आ गए, कनाडा इमिग्रेट कर गए, आ गए। आफ्टर लिसनिंग टू, चलिए अभी और यहां पे, एंड और टू बिल्ड अ बेटर डैश इन कनाडा, और वो कनाडा में क्या बनाना चाहते थे, कनाडा में वो लिविंग बनाना चाहते थे, रहन सहन बनाना चाहते थे, कनाडा में वो बेटर लाइफ बनाना चाहते थे, हो सकता है कनाडा में वो बेटर डिस्टेंसेस बनाना चाहते, दूरियां बनाना चाहते थे, कनाडा में वो बेटर और डाउट्स बनाना चाहते थे, मीन्स संदेह बनाना चाहते थे, बिल्कुल ईजी है ना। माई पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कैनेडा इन 1990, मेरे माता पिता 1990 में कैनेडा आए। इन ऑर्डर टू एस्केप द टायरनी ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के अत्याचार से बचना चाहते थे। एंड टू बिल्ड अ बेटर लाइफ हो जाएगा, टू बिल्ड अ बेटर लाइफ इन कैनेडा, और वो अच्छा जीवन जीना चाहते थे कैनेडा में। ओके, आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ, उनकी कहानियां सुनने के बाद, कौन सी कहानियां, स्टोरीज ऑफ हार्डशिप्स, उनकी कठिनाइयों, उनकी परेशानियों की कहानियां, स्टोरीज ऑफ ट्रेवल्स, उनकी कहानियों, अरे यात्राओं की कहानियां, उनकी स्टोरीज ऑफ प्लीज्ड, कोई मतलब नहीं आते, स्टोरीज ऑफ हंग्री, कोई मतलब नहीं आते। जब भी होगा इन्हीं दो में से होगा, हार्डशिप्स या ट्रबल्स। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्लीज्ड कभी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हंग्री कभी नहीं आएगा, एडजेक्टिव है ना, ये दोनों एडजेक्टिव से एक तरह से, तो आपके बाद ये दोनों कभी नहीं आएंगे, ये दोनों नाउन्स हैं, दोनों आ सकते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ ट्रबल्स एंड फ्रस्ट्रेशंस, ट्रबल्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ये कॉम्बिनेशन सही है या ट्रबल्स एंड हार्डशिप्स, सॉरी स्टोरीज ऑफ हार्डशिप्स एंड फ्रस्ट्रेशन सही, कौन सा सही है? हार्डशिप्स एंड फ्रस्ट्रेशन। ये तुरंत आना चाहिए आपको क्लोज टेस्ट लेवल पे। हार्डशिप्स मींस कठिनाइयां, फ्रस्ट्रेशंस मींस निराशाएं, यानी दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, हाउ बेस्ट आई वाज, कि मैं कैसे था, फॉर हाउ फॉरगिवन आई वाज, कि कैसे मैं माफ कर दिया गया था, हाउ फॉरवार्न्ड आई वाज, मुझे पूर्व में चेतावनी दे दी गई थी, हाउ फॉरगॉटन आई वाज, मैं कितना भूला हुआ था, या हाउ फॉर्चुनेट आई वाज, या मैं कितना भाग्यशाली था, टू बी लिविंग इन द कंट्री, उस देश में रह रहा था मैं, आई नाउ जिसे अब कॉल हो, मैं क्या कहता हूं अपना घर कहता हूं इस कैनेडा, अर्थात पूरा एक साथ लेंगे हो जाएगा। माई पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कैनेडा in 1990 in order to escape the tyranny, हो जाएगा tyranny of the Chinese government and to build a better life, हो जाएगा life in Canada. After listening to their stories of hardships and frustrations, यानी उनकी कठिनाइयों, उनकी हताशाओं की कहानियां सुन करके, I realized, मैंने महसूस किया, how fortunate I was, कि मैं कितना भाग्यशाली था, To be living in the country, कि मैं एक ऐसे देश में रह रहा था, I know call home, जिसे अब मैं अपना क्या कह सकता हूं, क्या कहता हूं, घर कहता हूं। मेहनत करें, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपका एक कॉन्सेप्ट विकसित होता जाएगा कि कौन सा मेथड है, क्या है जो हमें यहां करना है। ओके, लेट्स गो एंड ध्यान रखिएगा, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी इन चारों शब्द में एक शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है, यानी बाकी तीन की क्या है, सही है, तो कौन सा शब्द है? वो शब्द हैकनीड है, वो शब्द होमोजेनियस है, वो शब्द हायरार्की है, या वो शब्द हिपोक्राइट है, कौन सा सही है? क्या ये गलत है, हैकनीड, होमोजेनियस, होमोजेनियस तो सही लग रहा है, होमोजेनियस सही है, सजाती या फिर समांगी, हायरार्की HIERARCHY, हायरार्की सही है, हायरार्की या हायरार्की मींस पुरोहितों के शासन को कहते हैं, ठीक है। हिपोक्राइट या हाइपोक्राइट सही है, HYPOCRIT, हाइपोक्राइट पाखंडी को कहते हैं, तो गलत तो है ही नहीं, कौन सा गलत है? ये हैकनीड। हैकनीड क्या होता है? जो चीज बहुत बार यूज की जा चुकी हो, नीरस हो चुकी, बोरिंग हो चुकी, प्रचलित हो चुकी, सब लोग जान चुके हो, वो हैकनीड होता है। HACKNEYED होता है, वाई के बाद क्या रहेगा, ईडी, तो हैकनीड, नीरस, बहुत अधिक प्रचलित हो चुका हुआ जो चीज होता है वो हैकनीड होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। होमोजेनियस सजाती, एक ही जाति के, एक हिट्रोजीनियस होता है जो विजाती होता है अलग अलग, एक होमोजीनियस होता है जो सजाती होता है। हायरार्की पुरोहितों का शासन होता है, जैसे एनार्की जहां कोई शासन ही ना हो, कोई व्यवस्था ही ना हो। हिपोक्राइट या हाइपोक्राइट मीन्स पाखंडी, जो आदमी दिखावा करता है वो हाइपोक्राइट होता है। ये बताइए, यहां भी एक स्पेलिंग कोई गलत हो, कौन सी स्पेलिंग? वो स्पेलिंग हाइजीनिस्ट है, जो आरोग्य शास्त्री है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहता है। हाइपरबोली है, हाइपरबोली जिसे हम कहते हैं, यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। या गवर्नमेंट है, जो खाने पीने का बहुत शौक रखता है या भोजन की परख रखता है, वो गवर्नमेंट है। या वो ग्रैनरी है, GRANRY, ग्रैनरी में अन्न भंडार, कौन सा सही? हाइजेनिस्ट सही या गलत? सही है। HYGIENIST हाइजेनिस्ट आरोग्य शास्त्री को कहते हैं। हाइपरबोलिक सही या गलत? सही या गलत? हाइपरबोलिक गलत। HYPERBOLE होता है। हम लोग हाइपरबोल कहते हैं, हमें लगता है सही है, हाइपरबली होता है। HYPERBOLE हाइपरबोल मींस अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें आप एग्जेजरेशन करते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहते हैं, वो हाइपरबली होता है। गवर्नमेंट सही, GOURMAT मींस जो खाने पीने की शौक रखता हो या उसका पार्टी हो। और ग्रैनरी अन्न भंडार को कहते हैं, जहां ग्रेन्स वगैरह रखते हैं, वो ग्रैनरी होती है, मीन्स सही है। GRANARY ग्रैनरी। ओके, यानी आपका B ऑप्शन गलत है। HYPERBOLE होता है हाइपरबोलिक। वॉइस का क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे आ गया है। दे लव एंड रिस्पेक्ट एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली। आना चाहिए आप। दे लव एंड रिस्पेक्ट एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली। ए हो सकता है एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली आर लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय देम। ग्रामर समझते हो तो आप समझ जाएंगे। एवरी फैमिली ऑफ देयर फैमिली, एवरी फैमिली ऑफ देयर फैमिली हैज बीन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय देम। हैज बीन, कहां हैज बीन? एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली इज लव्ड, रिस्पेक्टेड वगैरह कहा? एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय देम। ये होगा ना डी ऑप्शन। बाकी बेकार है, कोई मतलब नहीं इनका। और अभी तुरंत आपको आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, आर है तो एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली है, एवरी मेंबर के लिए आर कैसे है? सिंगुलर होगा, गलत हो गया। यहां कोई मतलब नहीं। एवरी फैमिली ऑफ देयर फैमिली हैज बीन कैसे होगा? एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली इज लव्ड, लेकिन आधा ही दिया गया है। और एवरी मेंबर ऑफ देयर फैमिली इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय देम। बेस्ट ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन। 20वां नरेशन है। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस? ही सेड टू द फॉरेनर। उसने फॉरेनर से कहा, वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस? क्या घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने जूते उतार लेंगे? ही सेड टू द फॉरेनर। उसने उस विदेशी से कहा। ही टोल्ड द फॉरेनर। ही टोल्ड द फॉरेनर। बढ़िया नहीं आगे, कोई मतलब नहीं यहां पे, दैट वगैरह हटा दीजिए। ही रिक्वेस्टेड द फॉरेनर टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। रिक्वेस्टेड हो सकता है क्या? He asked the foreigner if he would take his shoes off before entering the house. हो सकता है क्या? He said that, हटा दीजिए। ये जो आपका D ऑप्शन है और ये जो A ऑप्शन है, एलिमिनेट करना सीख लें। आपको B और C में से बेटर चूज करना है, कौन सा सही होगा, B या C। और मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे जो आंसर आप चूज करेंगे, B होगा या C होगा, बताएं जल्दी से। सोच के देखें क्या होगा, B या C। अगर जिन बच्चों को लगता हो B होगा, B, वो क्या सोच रहे हैं? वो सही सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो बच्चे C सोच रहे हैं, वो बच्चे ग्रामर में या नरेशन में उन्होंने मेहनत नहीं किया है। कभी भी अगर वुड यू माइंड से वाक्य आपका शुरू होता है, तो वुड यू माइंड इज इक्वल टू प्लीज, तो वाक्य ये रहा होगा, प्लीज टेक ऑफ। जब प्लीज लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि वुड यू माइंड, माइंड के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो प्लीज टेक ऑफ योर शूज, तो उसने प्रश्न नहीं किया था, उसने जूते उतारने क्या की थी, प्रार्थना की थी। तो जहां वुड यू माइंड है, दिमाग में आप भी बना लें कि वुड यू माइंड इज इक्वल टू प्लीज होता है। तो प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ये वाक्य हो गया। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। He requested the foreigner हो गया। He requested the foreigner। Imperative में क्या लगाते हैं, to, और फिर verb सीधे आ जाइए, to take off his, हो जाएगा his shoes before entering the house। ऐसे लेवल पे आए। मैं नहीं कहता आप मेरे से ही पढ़ें, बट ऐसे टीचर से पढ़ें जो इन सब में मास्टर हो, जो ये चीजें आपको बेहतर समझा सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, जब आपके अंदर विरोध की भावना बहुत तीव्र हो जाए, वो फीलिंग क्या है? वो फीलिंग सिंपैथी है, कभी हो ही नहीं सकता विरोध सिंपैथी कैसे हो जाए। वो फीलिंग अपैथी है, हो सकता है। वो फीलिंग एनिमस है, हो सकता है। वो फीलिंग स्टिम्युलस है, कभी नहीं होगा। स्टिम्युलस क्या होता है? प्रेरणा होती है, जो इंसेंटिव होता है, प्रोत्साहन होता है, वो आपका स्टिम्युलस है। तो ये सिंपैथी और स्टिम्युलस हटा देते, दो में से एक होगा, अपैथी या एनिमस। लेकिन अपैथी को समझ ले, अपैथी क्या होगी? अ मीन्स विदाउट, पैथी मीन्स फीलिंग, भावना, जिसके अंदर कोई भावना ही ना हो। जिसके अंदर कोई भावना ही ना हो, वो व्यक्ति कैसे स्ट्रांग फीलिंग रखेगा? बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा? बी। एनिमस मीन्स शत्रुता की भावना होती है, इसी से एनिमोसिटी बना, याद करें, शत्रुता। तो ए स्ट्रांग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, जब किसी के विरोध करने की तीव्र भावना आपके अंदर है, तो भावना क्या है? एनिमस है, मीन्स शत्रुता की, दुश्मनी की भावना, विरोध करने की भावना, एनिमस। अ पर्सन हु स्टील्स बुक्स, ज्यादातर बच्चों को सेकेंड भर में आ जाएगा, चारों ऑप्शन देखें आपको आ जाएगा, अगर आपने रूट वर्ड्स पे मेहनत किया। बिब्लियोथेक, बिब्लियोकेट, प्लेक्ट, बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफोब। यहां फाइल PHILE होना चाहिए था, FILE नहीं होगा। बिब्लियोफाइल होता है PHILE, बिब्लियोफाइल। कौन सा सही? अ पर्सन हु स्टील्स, जो किताबें चोरी करता है, याद आ रहा है आपको? एक मैनिया होता है, याद है, चोरी करने की मैनिया, याद आया? क्लेप्टोमैनिया, तो क्लेप्टो मीन्स ही चोरी होती है और बिब्लियो मीन्स ही पुस्तक होती है। तो अ पर्सन हु स्टील्स बुक्स क्या हो जाएगा? बिब्लियोक्लेप्ट, यानी जो किताबों की क्या करता हो? चोरी करता हो। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। बिब्लियोथेक क्या होता है? एक प्रकार के पुस्तकालय को बिब्लियोथेक कहते हैं। बिब्लियोफाइल PHIL यहां पर रहेगा। बिब्लियोफाइल कौन होता है? जो पुस्तकों से प्रेम करता हो। बिब्लियोफोब कौन होता है? जो पुस्तकों से डरता हो, दूरी बनाता हो, बिब्लियोफोब। अब चार वर्ड्स आपके तैयार हो गए। बिब्लियोथेक एक प्रकार का पुस्तकालय, बिब्लियोक्लेप्ट पुस्तकों को चोरी करना या करने वाला, बिब्लियोफाइल मीन्स पुस्तकों से प्रेम करने वाला और बिब्लियोफोब पुस्तकों से डरने वाला। ये ज्यादा मिलेंगे, ये कम मिलेंगे आपको, है ना। 23 पे आ गए हम लोग। लुगुब्रियस, एंटोनिम आपको चूज करना है। लुगुब्रियस का एंटोनिम चीयरफुल होगा, इंसेसेंट होगा, क्वैक होगा या हैकनीड होगा। देखिए हैकनीड है ना। तो सबसे पहले चीयरफुल आप जानते हैं, चीयरफुल मीन्स हंसमुख, खुश जो है वो चीयरफुल है। क्वैक दो होता है, जो बत्तख की हार्श साउंड होता है वो भी क्वैक होता है, जो वो बोलती हैं। और एक डॉक्टर नीम हकीम को कहते हैं, जो ये अनाउंस करता है कि उसके पास डॉक्टरी का, मेडिसिन का बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन होता नहीं, वो क्वैक होता है, नीम हकीम होता है। कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मींस नीम हकीम खतरा एचा। हैकनीड अभी मैंने कहा था, नीरस, उबाऊ और इनसेसेंट, जो लगातार निरंतर चलता रहे। क्या हो जाए? लुगुब्रियस मींस क्या होता है? लुगुब्रियस मींस होता है उदास, शोकाकुल, वन हु इज मॉर्नफुल, एक व्यक्ति जो शोक से, उदासी से भरा हुआ होता है, वो लुगुब्रियस होता है। तो लुगुब्रियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल, जो खुशी से भरा हुआ हो। तो लुगुब्रियस का एंटोनिम चीयरफुल। 24 क्वेश्चन पे आ गया है। लैक्सिटी का एंटोनिम क्या होगा? लैक्सिटी का एंटोनिम क्या होगा? एब्सकॉन्ड, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। देखिए इतने अच्छे से वर्ड्स भी आप तैयार कर सकते हैं। एब्सकॉन्ड, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। विजिलेंस, जब आपके अंदर सतर्कता होती है, चुस्ती फुर्ती होती है। जुबिलेंट, जब कोई बहुत अधिक, अत्यधिक खुश हो जाता है, किसी सफलता पे जब जुबिलेंट हो जाता है। मोरालिटी जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता आ जाती है, कौन सा एंटोनिम होगा लैब्सिटी का। और मेरी साइकोलॉजी कह रही कि आप में ज्यादातर बच्चे लैब्सिटी का जो एंटोनिम है वो शायद डी चूज करें, क्योंकि आपको याद आएगा अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, तो लैक्स मॉरल तो ऐसा कुछ याद आएगा। बट आप जाने लैक्स मीन्स ढीला ढाला होता है, क्योंकि लैक्सिटी मीन्स ढीलापन होता है। जब किसी चीज में आपकी शिथिलता हो, ढीलापन हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम लैक्सिटी। तो लैक्सिटी अगर शिथिलता को कहते हैं तो विजिलेंस सतर्कता को कहते हैं। क्या हो जाएगा एंटोनिम? लैक्सिटी का एंटोनिम विजिलेंस। एब्सकॉन जिम्मेदारियों से भागना, जुबिलेंट अत्यधिक खुशी खुश, और मोरालिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए नैतिकता। तो लैक्सिटी का एंटोनिम विजिलेंस। लैक्सिटी मीन्स शिथिलता, विजिलेंस सतर्कता, चुस्ती फुर्ती। 25 क्वेश्चन 25 कमोडियस का सिनोनिम आपको ढूंढना है। स्पेसियस होगा, टाइडी होगा, डिवाइन होगा, या कमांडिंग होगा। क्या सही? कमोडियस मीन्स क्या होता है याद है आपको? जैसे आपका कोई कमरा है, उस कमरे में फर्नीचर है, तमाम आपकी अलमीरा वगैरह है और उसे पर्याप्त जगह है, तो वह जो कमरा है आपका वो बिल्कुल सुविधाजनक है, अर्थात तो उसमें तमाम जगह है आपके पास। तो कमोडियस विशाल बड़ा, जहां पे बहुत जगह हो तो कर लेंगे आप। वो डिवाइन तो नहीं होगा, डिवाइन के इससे कोई मतलब नहीं। टाइडी तो एंटोनिम की तरह हो जाएगा, गंदा होता है वैसे टाइडी मीन्स। कमांडिंग अर्थात किसी को आदेश देने वाला जो हो जाता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कमोडियस का, और सिनोनिम क्या हो जाएगा स्पेशियस। कमोडियस मीन्स विशाल, जहां बहुत जगह हो, तो स्पेशियस मीन्स भी जगहदार, जहां बहुत जगह। जैसे आपका कमरा स्पेशियस है तो उसमें बहुत सारी क्या है जगह है, मीन्स कमोडियस का सिनोनिम स्पेशियस हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन 26 का एनकोमियम, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका इंकोमियम। सिनोनिम ढूंढना है, यूलाजी, वर्ब, फोर्स, या वर्सटाइलिटी। कौन सा सिनोनिम होगा इंकोमियम का? इसके लिए क्या करना होगा? इंकोमियम की मीनिंग जाननी होगी। देखिए जैसे विलियम शेक्सपियर जब अपनी रचनाएं लिखते थे तो उसमें जो उनके संरक्षक थे, पैट्रन, उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। उनको WH के नाम से जाना जाता है, जो उनके पैट्रन थे। तो एनकोमियम मीन्स एक ऐसा लेख जिसमें आप किसी की बहुत अधिक हाईली प्रेज, यानी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। तो एनकोमियम मीन्स अगर बहुत अधिक प्रशंसा, तो यूलाजी मीन्स भी क्या होता है प्रशंसा। तो एनकोमियम का सिनोनिम क्या हो जाएगा यूलाजी। फोर्स आप जानते हैं, है भी आपके अंदर। वर्ब उत्साह को, जोश को कहते हैं। और वर्सटाइलिटी जब आप कई क्षेत्रों में निपुण हो, सक्षम हो, तो आप वर्सटाइल हैं, आपके अंदर वर्सटाइलिटी होती है। इंकोमियम का सिनोनिम यूलाजी। इंकोमियम मीन्स प्रशंसा, तो यूलाजी मीन्स भी प्रशंसा। मैं भी आपकी प्रशंसा करूंगा इतने धैर्य की, बट ये धैर्य आपके ही काम आएगा। आप सब क्या चाहते हैं? आप सब चाहते हैं आप सफल हो। दिल से मैं भी चाहता हूं आप सफल हो, क्योंकि मैं सफलता के उस स्वाद को समझता हूं। मैं तो उसे पा करके छोड़ दिया, तो मैं चाहता हूं कि आप सफल हो, ताकि आप उस सफलता के स्वाद को चख सकें और अपने पेरेंट्स की अच्छी, अपनी ख्वाहिशों के अनुसार उनकी मदद कर सकें आप। इन्हीं सब दुआओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो और मैं अपने लक्ष्य में आपकी मदद कर सकूं, तो निश्चित ही हम कल फिर से 9 बजे कल मिलेंगे। और इसे ध्यान रखें, अगर कभी कोई सेट दिक्कत में आता है, इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो कभी अगर लेट हो जाता आप समझ जाएं कि उस दिन मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई हुई, तभी ऐसा रहेगा कि कोई चीज न दो मैं आपको, ठीक है। रेगुलरली प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही एक इंसेंटिव की तरह है जो आपके प्रेरणा में आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।